हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन मेशराम। और आज हम लोग आए हैं हैदराबाद में। हैदराबाद सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हैदराबाद सिटी में जो जो अच्छे जगह है देखने के, वो सारे हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। और मेरे साथ में मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ प्रिया, हेलो, और मेरा सन शौनक। कैब या ऑटो बेस्ट ऑप्शन है हैदराबाद सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, अगर आप खुद के व्हीकल से नहीं आए हैं तो। और ये देखिए, बहुत ही भव्य सालारजंग म्यूजियम, और इसमें है 14,000 आर्ट्स कलाकृतियाँ, जिसका कलेक्शन जो है सालारजंग 3 के नाम से मशहूर नवाब मीर यूसुफ अली खान ने किया था। बैग रखने के लिए लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है, सिर्फ 10 रुपये में आप लॉकर ले सकते हैं। और टिकट्स जो है काउंटर से भी ले सकते हैं, या फिर बुक भी कर सकते हैं। बुक माई शो से मैंने बुक किया हूँ टिकट, और एडल्ट के लिए जो है वो 50 रुपीज़ है, और चाइल्ड के लिए 35 रुपीज़। December 1951 में देवान देवड़ी करके एक जगह था, वहाँ पे सालारजंग म्यूजियम की स्थापना हुई थी। लेकिन अभी जो आप प्रेजेंट वाला जो भव्य बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें 1968 में शिफ्ट हुए हैं। और यहाँ पे है 39 गैलरीज, लगभग 14,000 कलाकृतियाँ इस म्यूजियम में रखी है। और ये सब का कलेक्शन किया है सालारजंग फैमिली ने। पूरे दुनिया से, जगह जगह से इन्होंने ये कलेक्ट किया है, खरीदा है। सालारजंग फैमिली में 5 मेंबर थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे निजाम सल्तनत के यहाँ पे हैदराबाद डेक्कन में। सालारजंग 3 के नाम से मशहूर नवाब मीर यूसुफ अली खान ने, जो एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सारा कलेक्शन किया है। उनको आर्ट और लिटरेचर के प्रति काफी प्रेम था, तो उन्होंने जो एंटिक्स और जो कलेक्शंस है, आर्ट्स है, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, उसका पूरा कलेक्शन किया था। और इसमें देखिए, इंडियन आर्ट्स है, मिडल ईस्टर्न आर्ट है, पर्शियन आर्ट, नेपाली आर्ट, जापानी चाइनीज आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, ऐसे काफी कलाकृतियां उन्होंने कलेक्शन किया है। और ये 39 गैलरीज को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, सेंट्रल ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक। सेंट्रल ब्लॉक में है 27 गैलरीज, वेस्टर्न ब्लॉक में है 7 गैलरीज, ईस्टर्न ब्लॉक में है 4 गैलरीज। तो सेंट्रल ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मिला के है 27 गैलरीज। तो ग्राउंड फ्लोर पे है फाउंडर्स गैलरी, इंडियन स्कल्पचर्स, इंडियन टेक्सटाइल, आइवरी वॉच, आइवरी कार्विंग्स, वेल रेबेक्का, आर्म्स एंड आर्मर्स, मेटल वेयर, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स, वॉकिंग स्टिक्स। और सेंट्रल ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर पे है टॉयज एंड डॉल्स गैलरी, फ्लोरा एंड फौना गैलरी, इंडियन सिल्वर गैलरी, कारपेट गैलरी, जेट गैलरी, बिद्रीवेयर गैलरी, कश्मीर गैलरी, यूटिलिटी गैलरी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स गैलरी, कॉइंस गैलरी, चिल्ड्रंस गैलरी। वेस्टर्न ब्लॉक में है 7 गैलरीज, फर्स्ट फ्लोर पे है 5 गैलरीज, जिसका नाम है यूरोपियन पेंटिंग गैलरी, यूरोपियन ग्लेज गैलरी, यूरोपियन फ्रेंच गैलरी, यूरोपियन क्लॉक गैलरी, यूरोपियन पोर्सिलेन गैलरी। और ग्राउंड फ्लोर पे है ब्रॉन्ज स्कल्पचर गैलरी, मार्बल स्कल्पचर गैलरी। और थर्ड ब्लॉक जो है ईस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक में है चाइनीज गैलरी, ईस्टर्न पोर्सिलेन गैलरी, जापानीज गैलरी, फार ईस्टर्न स्टैचुअरी गैलरी। तो ऐसा सब मिला के 39 गैलरीज का यहाँ पे आप जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये है आर्म्स एंड आर्मर्स गैलरी, ये देखिए तलवारें, स्वॉर्ड्स, बहुत ही शाही तलवारें। चाकू और भाला, गदा और बाकी हथियार। और ये बंदूकें, और ये छोटी वाली पिस्टल्स, और ये देखिए पूरा आर्मर, फुल बॉडी आर्मर,
और ये अभी हम लोग पहुंचे हैं धातु बर्तन गैलरी। तो इसमें नक्काशी देखिए और कलाकारी देखिए, एकदम बहुत ही बारीकी से इसमें नक्शी काम किया गया है। सुराई पॉट्स, टी पॉट्स, वेसल्स, लॉकर्स और डेकोरेशन के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। और ये है इंडियन मॉडर्न पेंटिंग गैलरी, इसमें है ऑयल पेंटिंग्स, हिंदू देवी देवताओं के और बहुत सारे बाकी जो है पेंटिंग्स आप देख सकते हैं इसमें। बहुत ही शानदार पेंटिंग्स, बहुत ही रेयरेस्ट। और ये है इंडियन मिनिएचर पेंटिंग गैलरी, इसमें इंडियन जो है राजा महाराजा उनकी पेंटिंग्स है और बहुत ही छोटी छोटी अन्य कलाकृतियां भी इसमें हैं। और उसके साथ साथ कई कई पे उसका इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, आप उसको रीड भी कर सकते हैं। सलारजंग म्यूजियम का मुख्य आकर्षण है यहाँ पे रखा हुआ है क्लॉक, उसमें जो भी टाइम होता है जितना बजता है, जैसे एक बजता है तो एक घंटी मारते हैं, दो बजता है तो दो घंटी मारता है, तो वहां पे एक आदमी निकल कर आता है वॉच में और वो घंटी मारता है, तो उसको देखने के लिए काफी लोग यहाँ पे आते हैं और डिस्प्ले में भी आपको दिखाया जाता है। ग्राउंड फ्लोर पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर, और यहाँ पे है सेंट्रल ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक। ये वेस्टर्न फर्नीचर गैलरी, आप देखिए क्या शानदार फर्नीचर्स है, मैजेस्टिक चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, उनका पालकी कैरी करने के लिए। और ये है यूटिलिटी वेयर, नक्काशीदार बहुत ही कार्व्ड यूटिलिटी वेयर्स। और यहीं पे देखिए आप, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये कॉइन्स गैलरी, इसमें लेटेस्ट कॉइन्स अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ यहाँ पे है मुगल्स कॉइन्स, कुतुबशाही कॉइन्स, मुद्रा कॉइन्स। ये है मुगल कॉइन्स, और ये सालारजंग 3 का बचपन का फोटो। और अभी हम लोग आए हैं कश्मीर गैलरी में, ये फर्नीचर्स देखिए, शानदार फर्नीचर्स, ज्वेलरी बॉक्सेस, फ्रेम्स, अभी हम आए हैं यूरोपियन पेंटिंग गैलरी में। और ये देखिए काफी शानदार पेंटिंग्स, और इसमें है मोनालिसा पेंटिंग का कॉपी भी। और ये अभी हम लोग आए हैं यूरोपियन ग्लास गैलरी, यहाँ के झूमर्स आप देखिए, सीलिंग हैंगिंग्स देखिए, और होम डेकोर्स के चीजें आप देख सकते हैं इसमें। क्या शानदार कलाकृतियां हैं। ये है यूरोपियन ग्लास गैलरी।
अभी हम लोग आए हैं यूरोपियन फ्रेंच गैलरी में। इसके सीलिंग में भी पेंटिंग बनी हुई है, ये ग्लासेस, वेसल्स, क्लॉक्स, और सीलिंग में देखिए कितना शानदार पेंटिंग यहां बना हुआ है। ये क्लॉक्स, और ये अभी हम लोग आए हैं यूरोपियन क्लॉक्स गैलरी। रोमन नंबर के साथ सभी वॉचेस, सभी क्लॉक्स आप देख सकते हैं, और बहुत ही बड़े क्लॉक्स है, बहुत ही भव्य क्लॉक्स है। और सभी क्लॉक्स देखेंगे तो आपको रोमन नंबर्स देखने को मिलेगा। और ये देखिए कितना बड़ा क्लॉक है ये, टॉयज गैलरी, टॉयज एंड डॉल्स। और ये देखिए कितना शानदार यहाँ पे एलिफेंट्स का पूरा फैमिली, बड़े जंगल जैसे दिख रहा है। और ये देखिए बहुत सारे डॉल्स यहाँ रखे हुए हैं। अभी हम लोग आए यूरोपियन पोर्सिलेन गैलरी। टीपॉट्स, वेसल्स, बहुत सारे पॉट्स, एंड ये फ्लोरा एंड फौना गैलरी। ये देखिए एनिमल्स, और ये बहुत ही जंगल का रिप्रेजेंट करने के लिए बढ़िया से मॉडल बना के है, बहुत ही शानदार दिख रहा है। सारे एनिमल्स, बर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या शानदार टाइज है, कहीं पे भी ये कलेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही भव्य म्यूजियम है ये, और मुझे तो लगता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। वाह शानदार कलेक्शन। और ये ईस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक में है चाइनीज गैलरी, जापानीज गैलरी, फॉर ईस्टर्न पोर्सिलेन गैलरी, फॉर ईस्टर्न स्टेचुअरी गैलरी। और ये देखिए चाइनीज कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये रखा हुआ है यहाँ पे, शानदार चीजें आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग चाइना में पहुंच गए। ये फॉर ईस्टर्न पोर्सिलेन गैलरी, और यहाँ रखी हुई चीजें आप देख सकते हैं कितने शानदार है। पॉट्स है, प्लेट्स है, और उस पे जो कारीगरी जो की है, जो पेंटिंग्स की गई है, बहुत ही शानदार पेंटिंग्स है, बहुत ही शानदार डिजाइन्स बना के है। और ये जापानीज गैलरी, जापानीज गैलरीज में ऐसे लग रहा है कि हम लोग जापान में आ गए कहीं। और उनके चेयर्स देखिए, उनके मैजेस्टिक चेयर्स, उनके फर्नीचर्स, उनके पॉट्स,
और ये चेयर्स देखिए, कितना शानदार चेयर्स है, फर्नीचर्स। और अभी हम लोग आए हैं फार ईस्टर्न स्टेचुरी गैलरी। और इसी के ग्राउंड फ्लोर में है फर्नीचर गैलरी और कार्विंग्स गैलरी ईस्टर्न ब्लॉक का ही। और ये चिल्ड्रंस गैलरी बच्चों के लिए बहुत ही खास, छोटे बच्चों को काफी ये पसंद आता है। एनिमल्स, रेप्टाइल्स, और ये पूरी फोर्स देखिए, ये पूरा टीम, म्यूजिकल टीम। सेवन डॉव्स, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स गैलरी, सबसे बड़ा ये कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट्स का, जो राजा अकबर थे या उस जमाने के जो राजा थे सबके जो इसमें जो है सील और सिग्नेचर्स भी है। बहुत ही रेयरेस्ट जो कलेक्शन है वो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स का रखा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।